लाहौर में 157 भट्टे जो हैं उनमें से फकत 10 भट्टे जिगजैग पे जा चुके हैं। और सबसे बढ़कर अगर आप जिगजैग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा उसमें आपकी जो फ्यूल कंजम्पशन है वो 30% लेस आती है, 25-30% आपको फ्यूल कम लगता है आपका। और उसमें सबसे बढ़कर आपका वो काम जो 1.5 माह में होना था, मतलब एक भट्टे में 1.5 माह में ईंटें पकाने का प्रोसीजर है, तो वो 1 महीने में चला जाएगा। और इतना ज़्यादा उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, 15 दिन की आपकी मजदूरी बचती है, 15 दिन आपकी जो फ़िज़ा आप उसको पोल्यूटेड करते हैं उससे निजात मिलती है, और ज़िगज़ैग में जाने की वजह से 90% एयर पोल्यूशन जो है उसमें फ़र्क पड़ता है। ये मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये सुल्तान के का इलाका है, सुल्तान के यहाँ भट्टे काफ़ी ज़्यादा हैं इस इलाके में, और इधर कन्वेंशनल भट्टे भी मौजूद हैं और बड़ी तादाद में हैं। लाहौर में टोटल 157 में से 10 भट्टे जब ज़िगज़ैग पे गए हैं तो बाकी मानदा जितने बचे 147 भट्टे वो आपको कन्वेंशनल पुराना 100 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे हैं जो पोल्यूटेड करती है एयर को, और एयर की पोल्यूशन की वजह से बीमारियाँ और फिज़ा को आलूदा करने का ये सारी चीज़ें बायस बनती हैं। लोधी साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ये जो कन्वेंशन जो जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, पुरानी टेक्नोलॉजी और नई टेक्नोलॉजी में जो फ़र्क है, ये बात ठीक है कि 30% उसके फ्यूल का फ़र्क पड़ता है, मजदूरी का फ़र्क पड़ता है, ये चीज़ें इसी तरह ही रिजल्ट दे रही हैं? जो आपने बताया बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी है, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जो भट्टा मालकान है अगर इस टेक्नोलॉजी पे अपने भट्टे को कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये उनको इतनी सेविंग्स होंगी, और सबसे बढ़कर ये है कि सेविंग के साथ साथ वो हमारे मुल्क की फिजा को भी आलूदा करने से बचे रहेंगे और हमारी आवाम जो है वो बीमारियों से बचेगी। इसमें एक जो एडवांटेज है वो ये है कि हम लोग जो हमारी रवायती जो भट्टा है उसमें फ्यूल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कोयला इस्तेमाल करते हैं, ये कोयले के जलने से हैज़र्डस गैसें जो है ना वो डिस्चार्ज होती हैं, जबकि जो हमारा ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी है उसमें तमाम जो फ्यूल है वो 90% बर्न, 100% तकरीबन बर्न होता है, और उसमें बजाय CO एमिट होने के और कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है, और उससे ये होता है कि हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसका अखराज भी कम होता है, और कार्बन के जो पार्टिकुलेट जो मैटर जो हवा में जा रहा था जिससे कि फ़िज़ा में स्मोक का एलिमेंट जो है वो बढ़ता जा रहा था वो उसमें भी कंट्रोल होता है। अच्छा, ये जो भट्टे, इस पे आप थोड़ी देर पहले भी तशरीफ लाए आज जी, कोई तकरीबन मगरिब के टाइम जी, जी। तो आगे इनके मालकान से भी मुलाकात हुई जी, जी। क्या आपका डिस्कस हुआ, क्या बातें हुई, क्या नेगोशिएट हो रहा है, और वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्योंकि इस तरह तो इनको नुकसान भी है और सबसे बढ़कर आने वाली नस्लों को ये नुकसान है कि आप एयर को पोल्यूट कर रहे हैं और इस कदर कर रहे हैं कि वो टनों के हिसाब से जिसका तखमीना लगाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 157 में से 147 भट्टे जो हैं वो ओल्ड टेक्नोलॉजी पे हैं। इनके साथ बड़ी अच्छी लाइवली डिस्कशन हुई है आज, उनका मौक़िफ़ ये था कि मैं अपना नुकसान नहीं करवाना चाहता, मैं कोई ऐसी कोई ऐसा भट्टा मेरे सामने वो बन जाए जो कि सक्सेसफुली चल जाए तो उसको फिर मैं रेप्लिकेट करूँ। उनकी कोशिश यही है कि जी महकमा जो है वो कोई एक भट्टा लगा दे, मैं कह यार महकमे को क्या जरूरत है भट्टा लगाने की, जिन्होंने काम करना उन्हें बताना था महकमा तो सिर्फ बंद करता है हम तो बंद ही कर सकते हैं, लेकिन वो कह रहे जी मैंने एक पार्टी तैयार की है तो वो जल्द से जल्द एक भट्टा लगाएगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसमें पूरी नई टेक्नोलॉजी, फिजा का जितना मर्जी नुकसान हो जाए जी, वो इस पे वजीर थे और बड़ी अच्छी खासी डिस्कशन हुई है उन्हें। मैंने कहा यार आप लोगों को इनिशिएटिव लेना चाहिए, कहते जी लॉस बहुत ज़्यादा होता है, और वही जो मैंने पहले आपको बातें बताई कि जी हमारा वो ब्लोर जो है वो गल जाता है, उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, और जिन लोगों ने कन्वर्ट किया हुआ उनका मौका भी ये था कि उनका करोड़ों में नुकसान हुआ है, इसलिए मैं इस पर कोई काम करता हूँ। आप छोटे मुंशी हैं यहाँ के जी? जी। क्या नाम है आपका? लियाकत अली शाहिद। तो यहाँ के मालिक कौन है? चौधरी सईद अहमद जट साहब। जट साहब का नंबर है आपके पास? जी है। नंबर मुझे दें, मैं ये नंबर उनका मिलाता हूँ, उनसे भी हम बात करते हैं, जट साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं। जट साहब अस्सलाम वालेकुम। जट साहब आप खैरियत से हैं? हाँ जी। जट साहब ये लोधी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। जी सलाम वालेकुम जी, आपको बुलाया था आप आए नहीं हैं। अच्छा, ये फायज साहब कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, जरा इनको जवाब दें, आप क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे ज़िगज़ैग पे? हाँ जी जट साहब, ज़िगज़ैग पे क्यों नहीं कन्वर्जन कर रहे, क्या वजह? अरे एक तो इसके लिए लेबर हमें ज्यादा चाहिए, क्वार्टर ज्यादा चाहिए, उसके लिए फील्ड ज्यादा चाहिए, डबल लेबर करनी पड़ेगी, उसके बाद हम चाह रहे हैं कि
चिमनी वाला जो भट्टा है ना वो कामयाब हो जाए तो उसको देख के हम भी कन्वर्ट कर ले। हम रिक्शा बना रहे तो हमारा अगर माल खराब बनेगा तो ये किसी सूरत भी चल नहीं सकता। जो खाली ईंट बनाते हैं ना उनकी अगर थोड़ी नरम भी निकल आए तो वो सेल हो जाती है। तो हमारा डिजाइन है सारा ये ब्रिक्स फ्रंट पे जाके लगती है, इसमें 19-20 भी हो जाए ना तो ये किसी काम की नहीं रहेगी। ठीक, तो हम चाह रहे हैं कि वो चिमनी वाला कोई भट्टा जो है ना इधर एक दो बढ़ने लगे, अगर वो कामयाब हो जाता है तो फिर इंशाल्लाह हम जरूर बनाएंगे। करना है, हमने भी करवाया, लेकिन हम चाह रहे हैं लोधी साहब क्या आंसर है इसका। एक मिनट जी जवाब ले लें पहले लोधी साहब का। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है क्योंकि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी में दो किस्म के भट्टे हैं, एक भट्टा वो है जिसमें ब्लोर लगता है और एक भट्टा है वो है जिसमें स्टैक जो है ना बहुत ऊंचा होता है। तो ये चाह रहे हैं कि ब्लोर से बगैर वाला मैं भट्टा लगवाऊँ और जिसका स्टैक बहुत हाई है वो कहीं एक लग जाए, वो अगर कामयाब हो जाए तो फिर मैं उसको रेप्लिकेट करूँ, ये उनका मौकफ है। नहीं तो इस तरह आपकी रिट और आपका कानून और जो लाहौर में भट्टों के खिलाफ आपकी पूरी मुहिम थी और स्मोग में भी थी, वो दूसरे लोग एक दो दोस्त करने लगे हैं ना तैयार, असल में कोई मॉडल तैयार होगा तो फिर है ना सारे एकदम तो नहीं हो सकते, वो थोड़ा टाइम तो मिलना चाहिए ना। दूसरे दोस्त हैं वो इसको शुरू कर रहे हैं, दो भट्टे शुरू हो रहे हैं, अगर वो कामयाब हो जाएंगे तो देख के दूसरे खुद खुद कर लेंगे, फिर कहना भी नहीं इतना पड़ेगा। जी रोधी साहब जी, वो ऐसे ही है कि वो हमने सुन ले। जी 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 जट साहब, हमारा मौका ये है कि एक दो जो बैठे हैं ना वो चिमनी वाले वो बन के चल जाए, फिर उनको देख के वही मिस्त्री जो बनाएंगे उनसे हम भी बनवा लेंगे ये बैठा। तो ये बस थोड़ा सा कर रहे हैं कि वो अभी शुरू होने वाला है, वो बैठे दो बैठे जो दोस्तों ने शुरू करने हैं तो हम चाह रहे हैं कि वो बिल्डिंग बन के तैयार हो जाए। इन्होंने लोधी साहब, इन्होंने जट साहब ने उस भट्टे का विजिट किया है जहाँ से आप थोड़ी देर पहले आए हैं? मेरा देखा हुआ, इन्होंने देखा हुआ है। सरफराज वाला जट साहब, सरफराज वाले भट्टे पे हम गए थे, वहाँ पे ज़िगज़ैग पे उन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है ब्लोर के साथ, ब्लोर में उन्होंने रेनोवेशन की हुई है वो, और उन्होंने वो बड़ी सही जा रही है उनकी, वो बड़े सक्सेसफुल है। आप उनको क्यों नहीं मॉडल कर लेते सर? लेकर उन्होंने एक भट्टा बंद करके उसकी लेबर उस पर लेके गए, फिर वो भट्टा बड़ी मुश्किल से चल रहा है। मैं यही कह रहा हूँ कि उसके लिए मैं लेबर डबल चाहिए, उसके लिए उनके रहने के लिए घर डबल चाहिए और फील्ड जो जितने इंचे बनाते हैं वो ज्यादा जगह चाहिए, वो सारी चीज का बंदोबस्त होगा। उन्होंने एक भट्टा बंद करके दो एक बंद करके तो दूसरे भट्टे पे वो लेबर लेके गए, इधर से इंटे कच्ची इंटे उठा के लेके गए हैं, फिर वो बड़ी मुश्किल से वो भट्टा अभी भी चल रहा है, अभी भी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। नहीं तो जट साहब, इस तरह तो माहौलियाती आलूदगी में जो इजाफा होता है बड़ा खतरनाक, उसका क्या करेंगे सर? तो सर हो रहा है मैं समझता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम तो किसी भी काम में टाइम मिलेगा ना, अचानक से तो कुछ नहीं हो जाता ना। कुछ बन गए हैं, कुछ कन्वर्ट हो, वो चिमनी वाले भी शुरू हो रहे हैं, वो जैसे जैसे दो तीन महीने में बनेंगे दूसरे भी इंशाल्लाह जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे, कन्वर्ट करने में टाइम। लोधी साहब मुझे ये बताएं कितनी देर से आप टाइम दे रहे हैं? नहीं, साल तो हो गया हम इनको टाइम देते हुए, लेकिन एक बहुत भी प्रॉब्लम है जो कि इनका ब्राइटली ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ एक्सपर्टी भी कमी है। अभी इसको कन्वेंशनल को कन्वर्ट करने वाले मिस्त्री भी कम है, और सेकेंडली वो जो रेजर्वेशन है उनकी वो ब्लोर की, वो भी प्रैक्टिकल है, वो जेन्युइन रीज़न है, और इसी वजह से ये लोग रिलक्टेंट भी हैं। लेकिन ये है कि फेज़ जो है ना वो अब निगोशिएशन का ख़त्म होता चला जा रहा है, अगले नेक्स्ट 3 महीने हैं आपके पास, इसमें अगर आप कन्वर्ट कर लेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, उसके बाद अगर नहीं करेंगे तो फिर लीगल जो है वो प्रोसीडिंग शुरू होगी और उसकी तरफ ही हम जा रहे हैं। जी जी जट साहब, 2 महीने तक वो भी भट्टा बन के इंशाल्लाह चल जाएगा, जैसे वो भट्टा चल जाएगा ये इसको कन्वर्ट करने में टाइम नहीं लगेगा, इसकी चिमनी बड़ी बनाने में, इसकी बिल्डिंग बनाने में कोई इतना नहीं, 10 दिन में बन सकती है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि कोई ना कोई बंदा एक्सपर्ट हमें मिल जाए, एक मॉडल तैयार हो जाए, पता चल जाए कि ये सही चल रहा है। अच्छा जट साहब, मैंने जट साहब आपकी तरह बहुत सारे जो मालिकान है एसोसिएशन है इनके पास बैठने का और इनकी बातें और उनका नुक्ता नजर समझने का मौका मिला, तो मैंने देखा कि वो बहुत सारे लोग अभी विलिंगली चाह ही नहीं रहे थे इस तरफ जाने के लिए, क्योंकि ये तो पिछले अक्टूबर में भी दो तीन महीने इनको मिलते गए। असल में सर ये हुआ है कि ये टेक्नोलॉजी जो सबसे पहले जो ज़िगज़ैग वाला भट्टा बना ना अभी तक वो कामयाब नहीं हुआ, तो वो लोग हर बंदे के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो नुकसान बर्दाश्त करे, और दूसरा जितनी ज्यादा लेबर चाहिए उसके लिए पैसे क्वार्टर ये चीजें रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करने के लिए करोड़ करोड़ सवा सवा करोड़ रुपया चाहिए, इसको इसकी वो जो स्पीड जब बढ़ जाएगी ज़िगज़ैग पे फिर लेबर ज्यादा चाहिए, ईंटें ज्यादा बनाएगा,
तो ये सारी चीजें आ रही है हर बंदे के पास, वो देखता है कि मुझे नुकसान कम से कम हो, नुकसान हो ना बल्कि प्रॉफिट आए। अच्छा, तो प्रॉफिट के लिए कारोबार करते हैं, हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा बेहतरी आ जाए, जो सिस्टम अच्छा होगा ना, कोई मिस्त्री एक्सपर्ट हो जाए भट्ठे को चलाने वाले, भट्ठे को बनाने वाले, तो फिर हम भी इसको इंशाल्लाह देख के तो कर लेंगे। अच्छा जट साहब, लाहौर में अभी जिन्होंने चिमनी पे फैन पे देख लिया किए है ना, दो माह पहले दिसंबर में, उन लोगों को जिनका किसी का सही चल गया, जिसका नहीं सही चला वो फिर चिमनी पे चला रहे हैं, उन्होंने ब्लोअर ला के सारा कुछ करके बंद कर दिए हुए हैं। हर किसी को अभी तक इस फार्मूले की समझ नहीं आ रही, और दूसरा इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। अच्छा जट साहब, लाहौर में तकरीबन कोई 10 गए हैं जिगजैग पे 157 भट्टों में से, तो 10 में से कितने आप समझते हैं कामयाब हुए हैं? मैं समझता हूँ हमारे जो रेवेंट के आसपास जो है ना, दो भट्टे हैं, गाजी सलाम वाला और ये सरफराज वाला, ये दो भट्टे सिर्फ सही माल बना रहे हैं। जो जिगजैग टेक्नोलॉजी पे सबसे पहले भट्टा लगा ना, वो भट्टा अभी तक कामयाबी हुआ जो बनाया गया शुरू से जिगजैग के लिए, वो अभी तक कामयाब भट्टा नहीं हुआ। उसकी आज भी उसके खाते चेक कर ले तो 2-4-5 करोड़ रुपया उसका नुकसान होगा, हर बंदा इतना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये इस्लाम इस्लाम के भाई ने उन्होंने बनाया उधर कुरपा चक में सोयासर रोड पे, वो सबसे पहले पाकिस्तान में बना जिगजैग टेक्नोलॉजी वाला, लेकिन वो अभी तक माल अच्छा नहीं बना रहा, उसकी एवरेज उसका ये सारी चीजें नहीं आ रही। क्या कमी रह जाती है माल में? नहीं, ये माल वो सही नहीं पकड़ता ना, वो अव्वल ईद नहीं पकती, वो नरम रह जाती है। अच्छा, दूसरा जो दो भट्टे आप मिसाल दे रहे हैं, जो दो मिसाल आप दे रहे हैं कि वो बेहतर हैं, उनकी क्या आप समझते हैं क्या वजह थी, कैसे वो कामयाब हुए, उसका आपने मुताला किया, उनको स्टडी किया आपने, क्या वजह हुई कि वो कामयाब हुए? बस भाई ये मशीनरी है, एक गाड़ी कंपनी बनाती है वही गाड़ी अच्छी चल रही होती, दूसरी गाड़ी कंपनी से बाहर निकलती इंजन में फॉल्ट आ जाता है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये भट्टे बना रहे हैं, मिस्त्री हमारे एक्सपर्ट हो रहे हैं, बनाने वाले अंदर बढ़ाई करने वाले, जैसे जैसे बेहतरी आएगी, ये वाला तो हमारे पास ट्रेड है ही कोई नहीं, किसी बात का पता ही नहीं। आप मोटरसाइकिल के ड्राइवर हैं, आपको क्रूजर गाड़ी में होंडा पे बैठा दे, जिसको क्रूज कंट्रोल लगा हुआ उसको पता नहीं मैंने क्रूज का इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे चलाएंगे आप? एक सादा गाड़ी चलाने वाला बंदा उसको आप क्रूज वाली गाड़ी पे बैठा देंगे, तो सारी चीजें ऑपरेट करने के लिए बंदे का उसका काबुल होना, उसका उसके बारे में पता होना भी तो जरूरी है ना। तो जट साहब, ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे देखिए, वो भट्टे ना तैयार हुए ना, उनपे जो मजदूर काम कर रहे हैं वो उधर एक्सपेक्ट हो रहे हैं, वो उधर से चेंज होके दूसरे भट्टे में चले जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ेगा ना, एक दिन में सारा कुछ तो नहीं ना। जट साहब, इस तरह तो मुझे जो समझ आ रही है ये, तो क्योंकि पंजाब पूरे में तकरीबन 10,000 भट्टे हैं कम अज कम, तो ये तो कई सालों का खेल है, फिर 2-3 महीनों का खेल तो नहीं है, आपस की बात है। लोधी साहब तो चले कह रहे हैं ना कि 3 महीनों का साल भी लगेंगे। नहीं, हाँ, असल में ये दूसरे जो भट्टे, अब असल में ये टेक्नोलॉजी पहले इसमें 6-6-7-7 लाख का ब्लोर लगा है, वो एक एक महीने में खराब हो गया है। अब उसमें बेहतरी यही आई है कि वही ब्लोर उन्होंने सीमेंट से और मिट्टी से कंक्रीट से कर लिया, कंक्रीट, हाँ हाँ, उसकी कास्ट आ गई है 70-80 हजार लाख रुपया। देखे ना, ये बेहतरी आई है तजर्बा करने से, 7 लाख से वो 1 लाख रुपया 80 हजार रुपए पे आ गए। तो जिन बंदों ने वो नुकसान किया, हर बंदा नहीं काबिल इसके कि वो नुकसान बर्दाश्त करे कि 7-7 लाख का ब्लोर एक एक महीने में बर्दाश्त करे। अच्छा, यानी कि वो इसका मतलब है कि आप वो कंक्रीट वाला तजर्बा आप कर सकते हैं अपने भट्टे पे करने वाले हैं भाई? देखे ना, जिधर भी तजर्बा हो रहा है, कोई भी अच्छा काम होगा वो देख के बंदा नकल तो कर सकता है ना, नकल करने में तो हम कामयाब है ना, कोई ना कोई मॉडल ऐसा ऐसा, जैसे जैसे लोगों ने नुकसान हुए हैं तो कोई ना कोई बेहतरी तो आई है ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ऐसे इस टेक्नोलॉजी में भी, ये जिमनी वाली भी टेक्नोलॉजी में देख के आया हूँ, ये सड़कों पे एक भट्टा लगा हुआ बहुत अच्छा चल रहा है, वो उसकी वीडियो भी मैंने दिखाई है लोधी साहब को, इंशाल्लाह इधर एक भट्टा लगवाने लगे हैं किसी दोस्त को, तो वो दो लगने लगे हैं, उसको देख के हम भी अपना कन्वर्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। ये मेरा ख्याल सारी एसोसिएशन लोधी साहब को इसी तरह की मीठी मीठी गोलियां दे के वापस भेज देती है। जट साहब, नहीं सर, लोधी साहब का भी कसूर नहीं, असल में कोई भी काम इतना आसान नहीं होता, उसमें थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है ना। चले जट साहब, बहुत शुक्रिया। ये एक महीने का काम तो नहीं ना, कम से कम गवर्नमेंट को चले 2 महीने का मसला होता है, वो हमने बात भी की है, आप क्या समझते हैं को 3 महीने हो तो ये काम चल सकता है सर? ये
जो मेरे अपना जेन है ये कम से कम 2 साल लगेंगे सारे भट्टों को। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, सालों का काम है सर, 10-12 साल नहीं, 2 साल, तकरीबन 2 साल में ये जैसे इनका रिजल्ट आएगा ना अच्छा होगा, इनको बताने की जरूरत नहीं, भट्टे वाले खुद ही कन्वर्ट कर लेंगे। सही है, अगर तजर्बा नाकाम हुआ तो यही चलता रहेगा। देखिए अगर तजर्बा नाकाम होता तो हर बंदा कारोबार तो प्रॉफिट के लिए करता है ना, उसकी सोच होती यार वो काम करूं जिसमें मुझे कुछ आ रहा है, बाजने घर से पैसे ला के बच्चों की रोजी कमाने के लिए। मतलब महकमा मौलियात ने, जट साहब जो मुझे समझ आई है, महकमा मौलियात ने आपको कुछ नहीं करता, ये नहीं देता है। ये मुझे जो समझ आई है, महकमा मौलियात ने आपको सिर्फ ये बता दिया है रिसर्च करके कि भाईजान इससे नुकसान ये हो रहा है, ये नहीं बताया कि ये कामयाब तजर्बा कैसे करना है। सर गवर्नमेंट को चाहिए था कोई एक आधा मॉडल तैयार करके दिखाते, हम अपने पैसे लगा रहे हैं, अपने पैसों से नुकसान कर रहे हैं, अपनी जुटियां साड़ियां अपने सिर से, आप ही कामयाब हो रहे हैं तो सिर्फ महकमे में गवर्नमेंट ने काम कर दो, लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाहिए कोई बेहतरीन करने वास्ते किसी की मदद की जाए, कोई सानू तो कर्जा कौन नहीं देता, अभी सवेरे कर्जा लेना सानू तो बैंक चो साड़ी तो इंडस्ट्री में इंडस्ट्री नहीं समझा जाता, सानू तो असा 10 रुपए को कितना देने वास्ते तैयार नहीं है जी। लोधी साहब क्या रिस्पॉन्ड है? इनकी इतला के लिए आज एक हाई लेवल मीटिंग हुई है, उसमें डिसीजन किया गया है कि आपको सॉफ्ट लोन मिल जाएगा अगर आपको चाहिए कन्वर्जन के लिए, और साथ ही साथ इसको पूरे कितनी मालियत तक का लोन मिल सकता है, जितना इनको चाहिए मिल जाएगा, गवर्नमेंट के पास स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट के पास हैं पैसे, और वो आज हाई लेवल मीटिंग हुई है, उसमें इनके एसोसिएशन के मेम्बरान भी शामिल थे, और उसमें काफ़ी सैर हासिल बात हुई है और इस पर काफ़ी काम हो रहा है, और इनकी ट्रेनिंग के लिए भी टिविटा के साथ हमने प्रोग्राम आज किया है, और इंशाल्लाह इनके लिए मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे, और नेपाल से दोबारा लोगों को बुलाया जा रहा है ताकि इनकी जो रिजर्वेशन है, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो दूर हो सके, लेकिन इनको जब तक इनिशिएटिव नहीं लेंगे और इसी तरफ स्टेप नहीं उठाएंगे तब तक कुछ भी नहीं होना, और इनको इस तरफ लाने के लिए हम अपने पूरी जी। साला मांग रहे हैं? नहीं नहीं, सालों में तो नहीं है, इंशाल्लाह विद इन फ्यू मंथ ही आपको जाना पड़ेगा, और आप करें इंशाल्लाह, और हिम्मत करें, अल्लाह ताला मदद करने वाला। जट साहब मुझे पता क्या लग रहा है, जट साहब मुझे लग रहा है कि इन्होंने 2-3 महीने बाद ना काम तेज कर देना है, ये सालों सूलों वाला नहीं है, इन्होंने टाइम देना मुझे लग रहा है। चलो सर कोई बात नहीं, जैसे हालात होंगे फिर उसके साथ चलना तो पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका जट साहब। लोधी साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, और सबसे बड़ा कीमती नुकता है जी वो ये है कि भट्टा मालकन कहते हैं कि जो भी तजर्बे लोग कर रहे हैं ज़िगज़ैग के, वो प्रॉपर कामयाब नहीं हो रहे। एक आपको कामयाब तजर्बा हमने आज दिखाया है, उस मॉडल को अगर फॉलो किया जाए तो हालात बदल सकते हैं, तेज़ी से बदल सकते हैं। ये आप देखें ज़रा मेरे साथ, ये बच्चा देखें, ये लोग देखें, ये सारे मजदूर तबका देखें, इनका वाबस्ता है रोज़गार इस सारी इंडस्ट्री के साथ, ये लोग अगर यहाँ से कमाएंगे नहीं तो इन बच्चों को पालेंगे कैसे? आप इनका सर्वे कर लें, इनमें से मोस्टली लोगों के बच्चे स्कूल शायद ना जाते हों, शायद कुछ के जाते हों, लेकिन ये बड़ा टफ रोज़गार है। मैंने आपको आज दिखाया कि आप कोयलों के साथ जो खेल खेलते हैं उनके उस कालक में से जो उनके माथे पर लगी होती है, उनकी पेशानी पर लगी होती है, और उनके हाथ रंग जाते हैं जिस कालक से, उधर से अपना मुकद्दर और रिज्क वो तलाश कर रहे होते हैं। वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है, और सबसे मुश्किल तरीन मजदूरी की किस्म है भट्टा मजदूरी जो है। आप 1100 सेंटीग्रेड पर खड़े होकर जब काम करते हैं तो फिर बताइए कि मजदूरी जो है वो किस भाव बिकती है, कितनी मजदूरी आपको मिलती है, आपके औकात कितने होते हैं मजदूरी के, और उसके बेनिफिट्स फिर आपको क्या मिलते हैं। आपके बच्चे फिर भी हाई स्कूलों में, हाई प्रोफाइल स्कूल्स में नहीं पढ़ पाते, बड़ी मुश्किल से ये लोग चीज़ों को अफोर्ड करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? पढ़ते हो आप? Yes. किस क्लास में? वन में। ए बी सी आती है? Yes. सुनाओ। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। कोई मिली नगमा आता है? मिली नगमा। दिल दिल पाकिस्तान आता है? कोई गाना आता है? कुछ भी नहीं आता। और क्या आता है? कोई नज़्म आती है? लप्पे आती है। लप्पे आती आती है। किस स्कूल में आप पढ़ते हो? प्राइवेट। प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो। बेटा आपका क्या नाम है? अली हसन। आप भाई हैं इसके? यस। आप भी पढ़ते हैं? यस। तो बाबा आपके क्या करते हैं? वो इंटर्न करते हैं। कितनी देर ड्यूटी करते हैं? वो कोई कर लेते हैं 1500 कोई 2000 इतनी। आपको कोई पोएम आती है, कुछ आता है आपको? यस। क्या सुनाएंगे? मुझे आती है एक
एक आते बड़ा दुश्मन, सुनाओ सुनाओ। बड़ा दुश्मन है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन है जो बच्चों से लड़ता है। वो जब आते हुए माँ ने गले मुझको लगाया था, अमान अल्लाह कहा मुझको मेरा बेटा बनाया था। खुदा की अम की राहों कहाँ से आ गया था, जहाँ तक चूमती थी माँ वहाँ तक आ गया था वो। बड़ा दुश्मन है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन है बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। इतनी अति इन बच्चों के पास शौर की कमी नहीं है, इनको प्रॉपर आप अकोमोडेट अगर करें तो ये बच्चे पाकिस्तान को सुपर पावर भी बनवा सकते हैं। और आइडिया ही क्लिक करता है जो कौमों की ज़िंदगियां बदल दिया करता है। इन बच्चों को अगर आप सोचने की समझने की सलाहियत मुहैया करेंगे इस भट्टे पे भी खड़े होकर, इन बच्चों के पास शऊर की कमी नहीं है किसी भी तरह की। अगर कमी है तो वसाइल की होगी, अगर कमी है तो शायद इनके अखराजात के मसाइल होंगे क्योंकि बाप इनका भट्टे पे मजदूरी करता है। ये वो सारे हमारे साथ मजदूर भाई हैं और इसी भट्टे से इनका वाबस्ता है रिज़्क। और अगर चाहते हैं आपके आपकी फ़िज़ा भी जो है वो इस आलूदगी से पाक हो जाए तो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे जाना पड़ेगा, लेकिन एसोसिएशन के मसाइल और महकमा माहौलियात के जो आपस में निगोशिएट करने के मसाइल हैं वो शायद इसी तरह तूल पकड़ते जाएं। और अगर ये इसी तरह तूल पकड़ते गए तो फ़िज़ा जो है उसको प्रॉपर इन चीज़ों से पाक करना भी मुश्किल हो जाएगा। और इन बच्चों को शऊर देकर इस कौम की काया पलटने के लिए जो माहौल फ्राहम करना चाहिए वो भी शायद शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। फातिह शहबाज़ खान को इजाज़त दीजिए, अलान के पान।